आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर्स की जिनकी कमाई 2019 में सबसे ज़्यादा रही। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए आपके फेवरेट एक्टर किस स्थान पर है। नंबर 10 वरुण धवन। वरुण धवन एक उभरते हुए कलाकार है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ये 2012 से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2014 में वरुण धवन अंकित शर्मा की दुल्हनिया में आलिया भट्ट के साथ नजर आए। इनकी ये फिल्म पहले सप्ताह में काफ़ी अच्छी कमाई की जो कि 33.75 करोड़ रुपये की थी। एक के बाद एक हिट फिल्में आई। 2014 में आई बद्री की दुल्हनिया, 2015 में रिसू। ये सारी फिल्में इन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई। बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 33 करोड़ रुपये की। नंबर 9 ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ऋतिक रोशन अपने डांसिंग स्किल के लिए भी फेमस है। 1980 से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। इन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली इनकी पहली फिल्म कौन सा प्यार है थी जो 2000 में आई थी। फिर 2003 में साइंस फिक्शन मूवी कोई मिल गया इनके फ्यूचर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आई जैसे क्रिस 3 और धूम 2 जो इन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई। इन फिल्मों के आने के बाद इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई। इनकी 2019 में आई वार मूवी भी हिट रही। अब बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। तो 2019 में इनकी कुल कमाई 58.73 करोड़ रुपयों की रही। नंबर 8 आमिर खान। आमिर खान का जन्म 14 अप्रैल 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें 9 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2003 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण से नवाजा गया। आमिर खान 1973 से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आमिर खान पहली बार स्क्रीन पर अपने चाचा नाजिर हुसैन के साथ यादों की बारात में नजर आए थे। तब कौन जानता था ये छोटा सा कलाकार बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाएगा। इन्होंने अपनी छवि बॉलीवुड सिनेमा में तब बनाई जब इनकी फिल्म दिल और राजा हिंदुस्तानी दर्शकों के बीच चर्चा में रही। आमिर खान की गजनी फिल्म इन्हें और ऊंचाइयों तक ले गई। 2004 में आई 3 इडियट इनकी हिट मूवी रही। फिर 2016 में दंगल ने धमाल ही मचा दिया। ये फिल्म कई देशों में हिट रही। बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 85 करोड़ रुपये की। नंबर 7 अजय देवगन। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को न्यू दिल्ली में हुआ। अजय देवगन 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये 1991 से बॉलीवुड सिनेमा में काम कर रहे हैं। अजय देवगन को 2 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। 1991 में आई इनकी पहली फिल्म फूल और कांटे थी। फिर एक के बाद एक हिट फिल्में आई जैसे जिगर, संग्राम, विजयपथ जो इन्हें और ऊँचाइयों तक ले गई। आज अजय देवगन बॉलीवुड सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान बना चुके हैं। इनकी खुद की फिल्म प्रोड्यूसर कंपनी भी है जिसका नाम अजय देवगन फिल्म्स है जो 2000 में स्थापित हुई थी। अब बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। तो 2019 में इनकी कुल कमाई 94 करोड़ रुपयों की रही। नंबर 6 रजनीकांत। रजनीकांत का जन्म 12 सितंबर 1950 को हुआ। रजनीकांत 1975 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2007 में आई इनकी शिवाजी मूवी पहली भारतीय फिल्म थी जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। शिवाजी फिल्म के लिए इन्हें 33 करोड़ रुपये दिए गए। समय जैकी चैन के बाद ये एशिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। रजनीकांत की 2016 में आई कबाली मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रजनीकांत भारतीय सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। उनकी पॉपुलरिटी की वजह उनकी यूनिक स्टाइल और डायलॉग्स है। रजनीकांत की रोबोट मूवी काफ़ी पॉपुलर मूवी में से एक है। अब बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 100 करोड़ रुपयों की रही। नंबर 5 रणवीर सिंह। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। रणवीर सिंह को 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। ये 2010 से बॉलीवुड सिनेमा में काम कर रहे हैं। 2010 में रणवीर सिंह बैंड बाजा बारात के साथ अपनी करियर की शुरुआत की। 2018 में आई बाजीराव मस्तानी इन्हें पॉपुलरिटी दिलाई। फिर एक के बाद एक हिट फिल्में इन्होंने बनाई। रणवीर सिंह की गली बॉय मूवी ब्लॉकबस्टर है। अब बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 118.2 करोड़ रुपये की रही। नंबर 4 शाहरुख खान। शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, ये बॉलीवुड का एक फेमस चेहरा है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ। इन्हें कई नामों से जाना जाता है जैसे बादशाह बॉलीवुड, किंग ऑफ बॉलीवुड और किंग शाह। शाहरुख खान 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं।
इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। बाजीगर डर अनजान ये वो फिल्में हैं जो शाहरुख खान को पॉपुलरिटी दिलाई। शाहरुख खान रेड चिलीज इंटरटेनमेंट पिक्चर प्रोड्यूसर कंपनी के को चेयरमैन भी हैं और कोलकाता नाइट प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम के को ओनर भी हैं। अब बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में शाहरुख खान की कुल कमाई 124.38 करोड़ रुपयों की रही। नंबर 3 सलमान खान। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर मध्य प्रदेश में। सलमान खान 1988 से बॉलीवुड सिनेमा में काम कर रहे हैं। सलमान खान की बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान है। इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। इनकी कई फिल्म सुपरहिट भी रही जैसे एक था टाइगर सुल्तान टाइगर जिंदा है। अब बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 229.25 करोड़ रुपये रही। नंबर 2 अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। अमिताभ बच्चन को पॉपुलरिटी तब मिली जब इनकी 1970 में आई फिल्म जंजीर दीवार शोले ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। अमिताभ बच्चन अब तक 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्हें शहंशाह बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1969 से बॉलीवुड सिनेमा में काम कर रहे हैं। कहते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 239.25 करोड़ रुपये और। नंबर 1 अक्षय कुमार। अक्षय कुमार 2019 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ। अक्षय कुमार 30 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। ये अब तक 113 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड सिनेमा के सफल एक्टर्स में से एक हैं। 2016 में आई रुस्तम फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर भी मिल चुका है। बात करते हैं इनकी कुल कमाई की। 2019 में इनकी कुल कमाई 293.25 करोड़ रुपये। ये थे बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर्स जिनकी कमाई 2019 में सबसे ज़्यादा रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपके फेवरेट एक्टर कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।